दोस्तों, कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक उदयपुर मंडल के द्वारा इसकी विभाग की वेबसाइट के ऊपर अभी एक कार्यालय आदेश है जो जारी किया गया है 1 अक्टूबर 2018 को। देखिए, इसके अंदर लिखा गया है कि यह आपकी द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के चयनित आशार्थियों विज्ञान को नियुक्ति हेतु पद स्थापन के लिए सुपुर्द करने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद के ऊपर सिविल सेवा परीक्षा, ये देखिए 2017 के वेतनमान व देखिए 2 वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के रूप में नियमित जो मानदेय है 26,500 रुपये पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख में अंकित जो विद्यालय में रिक्त पद पर इनको पद स्थापित किया जाता है। तो देखिए 26,500 रुपये देकर इनको किस तरीके से पद स्थापित किया जाता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनको पेश करने पड़ेंगे। आगे देखिए इसमें लिखा गया है कि जो 10 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प है वो भी इनको पेश करना पड़ेगा। देखिए, ये जो नोटिस है, कार्यालय आदेश है, वो युगल बिहारी दादीज के द्वारा शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक उदयपुर मंडल उदयपुर के द्वारा 1 अक्टूबर 2018 को अभी इसकी विभाग की वेबसाइट के ऊपर डाला गया है। देखिए, इसके अंदर लिखा गया है, यहाँ पर आपका जो मेरिट क्रमांक है वो लिखा गया है, मेरिट लिखी गई है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, एड्रेस लिखा गया है, कौन सी कैटेगरी से इनका चयन हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर संपूर्ण जानकारी वो दी गई है। यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा गया है, ये जो लिस्ट है वो आपकी नॉन TSP क्षेत्र की दे रखी है और जो नीचे ये लिस्ट है वो आपकी इसमें TSP क्षेत्र की दे रखी है। तो देखिए, इस तरीके से जो भी कैंडिडेट हैं वो इसमें अपना वीडियो को पॉज करके इसमें नाम अपना देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कार्यालय आदेश प्रकाशित किया गया था इसकी विभाग की वेबसाइट के ऊपर। कार्यालय उपनिदेशक माध्यमिक उदयपुर मंडल उदयपुर के द्वारा ये कार्यालय आदेश है वो जारी किया गया था, जो सभी आपके साथ में साझा करना जरूरी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।